नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। मामूली विवाद को लेकर भागलपुर में लॉज मालिक ने छात्र पर चलाई गोली, बाल बाल बचे छात्र, आरोपी गिरफ्तार, राइफल जब्त। 50,000 का इनामी कुख्यात अकला मंडल चढ़ा एसटीएफ के हत्थे, हत्या डकैती सहित आधा दर्जन कांड का है आरोपी। बांका पुलिस ने अंतर्राज्यीय बैंक लुटेरे को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, एसपी अरविंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ महागठबंधन एवं वामदलों ने दिया राज्यव्यापी धरना, जमकर किया प्रदर्शन। और पंच प्यारे की अगुवाई में गुरुद्वारा से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, सतनाम वाहेगुरु से गूंजता रहा शहर। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र में छात्रों के साथ हुए विवाद में लॉज मालिक ने छात्रों पर 7 राउंड गोलियां चला दी। हालांकि इस घटना में कोई भी छात्र हाथाहाथ नहीं हुआ है, जिसके बाद छात्रों ने घटना की सूचना ततारपुर पुलिस को दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी लॉज मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पुलिस ने राइफल को जब्त कर लिया। जाँच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखे बरामद किए हैं। दरअसल बुधवार की दोपहर तिलक नगर कॉलोनी कोबी बारी स्थित लॉज में लॉज मालिक चंद्रशेखर सिंह ने छात्र अंशु की घर में पिटाई कर दी, जिसके बाद अंशु ने घटना की जानकारी लॉज में रह रहे अन्य छात्रों को दी। जब छात्रों ने मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में लॉज मालिक चंद्रशेखर सिंह से बात करने की कोशिश की, उसी दौरान लॉज मालिक ने अपने लाइसेंसी राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अंशु ने बताया कि रात में कमरे में पंखा चलाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बुधवार को अपने कमरे में बंद कर पिटाई करने लगा। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। आज करीब 11-12 बजे के आसपास दोपहर में ऐसी सूचना मिली कि ततारपुर थाना क्षेत्र में एक आवास में जो जिसमें लॉज चलता है और जिसमें कई बच्चे पढ़ने के लिए रहते हैं, तो वहाँ पे एक फायरिंग की घटना घटित हुई है। पुलिस के द्वारा वहाँ पर पहुँच के त्वरित रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया गया, तो पता चला कि मकान मालिक जो हैं उनके और जो उसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको के बीच में आपस में विवाद उत्पन्न हुआ था और उसी विवाद में गाली गलौज की घटना घटित हुई थी और मकान मालिक के द्वारा उसी विवाद में गोली की फायरिंग कर दी गई है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा पहुंच करके उसको गिरफ्तार किया गया है जो दोषी है, और साथ में उसका जो हथियार है उसको जब्त किया गया है और जो खोखा है वो भी बरामद हुआ है। पुलिस के द्वारा इस मामले में तुरंत प्रदेश अनुसंधान करा करके जल्दी से चार्जशीट कराया जाएगा और स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। पटना एसटीएफ की टीम ने 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी अखिलेश मंडल उर्फ अकला को हबीबपुर थाना क्षेत्र के दाऊद वार्ड से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया अपराधी नौगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र सधुआ गांव निवासी श्रीकांत मंडल का पुत्र है। अखिलेश पर गोपालपुर थाना में हत्या, डकैती सहित आधा दर्जन संगीन मामला दर्ज है। वहीं पुलिस अकला मंडल की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही है। इन दिनों भागलपुर एसएसपी आशीष भारती नौगछिया एसपी के प्रभार में है। एसएसपी ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दोनों जिलों में छापेमारी अभियान चला रही है और जल्द ही फरार इनामी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होगा। बांका में अपराध नियंत्रण को लेकर एसपी अरविंद गुप्ता ने जिले के सभी थानेदारों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद बौसी एवं बाराहाट थाना अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 2 अंतर्राज्यीय अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा। पकड़े गए दोनों शातिर अपराधियों पर बैंक लूट और हत्या जैसे संगीन मामले बिहार और झारखंड के विभिन्न थानों में दर्ज है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रजौन थाना क्षेत्र के सीएसपी संचालक से 5,00,000 रुपये लूट के दौरान संचालक की गोली मारकर दोनों अपराधियों ने हत्या कर दी थी। दोनों अपराधियों की पहचान चानन थाना क्षेत्र के निजामुल अंसारी उर्फ टाइगर और सूरज शर्मा के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि बौसी स्थित पाफरनी के समीप दोनों अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। दोनों के पास से 2 पिस्टल और गोली बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, साथ ही उन्होंने दोनों को रिमांड पर लेने की बात कही। उनके घर पर छापेमारी के लिए हमारी टीम अभी गई हुई है, छापेमारी चल रही है। इसका आपराधिक इतिहास बहुत कुछ मिला है। देवघर और मतलब झारखंड और बिहार दोनों के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है।
अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जमुई के एक बैंक लूट में भी इस टाइगर का नाम आया है। हम लोग इन सारी बातों को सत्यापन कर रहे हैं और फिर से अभी तो हम लोग पूछताछ किए हैं, लेकिन पुनः इन दोनों अपराधियों को पुलिस रिमांड पर लेकर हम लोग पूछताछ करेंगे। भागलपुर के समाहरणालय परिसर में बुधवार को महागठबंधन और वाम दलों के द्वारा एक दिवसीय महाधरना दिया गया। इस दौरान धरना पर बैठे कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार जन विरोधी नीतियों को लागू कर रही है, जिससे आम आवाम परेशान है। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन सरकार मौलिक समस्याओं से लोगों का ध्यान भटका रही है। वक्ताओं ने कहा कि नीतीश कुमार के शासन में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और राज्य में हत्या, लूट और बलात्कार की घटना सरेआम हो रही है, लेकिन सरकार इस पर काबू पाने में विफल है। वहीं सरकारी योजनाओं में लूट मची हुई है, जिसे रोकने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। धरना का संचालन सुधीर शर्मा ने किया। इस मौके पर चक्रपाणि हिमांशु, रवि शेखर भारद्वाज, सुधामा सिंह, दशरथ प्रसाद, भवेश कुशवाहा, वकील बिंद सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। पिछले महीने 12 अक्टूबर को महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पटना में महागठबंधन के तमाम नेता और वाम दल के तमाम नेता सभी मिलकर केंद्र और राज्य सरकार के जनविरोधी नीति के खिलाफ बिहार में आंदोलन करने का निर्णय लिया था और उसी अभियान के तहत आज पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय में महागठबंधन एवं वाम दल का संयुक्त धरना प्रदर्शन है। वहीं बांका में भी महागठबंधन और वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने की, जबकि मंच का संचालन राजद जिला अध्यक्ष विशाल यादव ने किया। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में महागठबंधन और वाम मोर्चा के आज धरना का हम लोग इस धरना के माध्यम से राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के ज्ञापन से पहले जिला पदाधिकारी के द्वारा और ये मांग करेंगे कि बिहार की पीड़ा और जो दर्द है, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई, भ्रष्टाचार व्याप्त है, बलात्कार, रोज मर रही हत्याएं, इन तमाम चीजों से बिहार सरकार को अवगत कराएंगे। गुरु नानक देव जी महाराज के 550वां प्रकाश पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। बुधवार को गुरुद्वारा परिसर से पंच प्यारे की अगुवाई में शोभा यात्रा निकाली गई, जो भगत सिंह चौक, खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक एवं स्टेशन चौक होते हुए गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान गतका पार्टी भाई जनरेल सिंह के नेतृत्व में कई प्रकार के कर्तव्य दिखाए गए। वहीं पूरा इलाका सतनाम वाहे गुरु के जाप से गूंजता रहा। गुरुवार को 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन होगा। इस दौरान काफी संख्या में सिख श्रद्धालु के साथ सभी धर्म के लोग मौजूद थे। अखिल भारतीय सर्जन एसोसिएशन के बिहार चैप्टर का 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुक्रवार से शुरू होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त चिकित्सक शिरकत करेंगे। इसको लेकर बुधवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जरी विभाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने बताया कि ASI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर सुभाष खन्ना समेत कई विशेषज्ञ चिकित्सक भाग लेंगे। डॉक्टर मृत्युंजय ने बताया कि शुक्रवार को पहले दिन 10 तरह का ऑपरेशन किया जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण JLNMCH के ऑडिटोरियम में होगा। इस मौके पर डॉक्टर BK जायसवाल, डॉक्टर CM सिन्हा, डॉक्टर अपूर्व कुमार राजन मौजूद थे। वर्कशॉप होगा और 1500 वर्कशॉप जो होगा उसमें कंट्री के लीडिंग सर्जन, जो टॉप मोस्ट सर्जन हैं लेप्रोस्कोपी में, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहला नाम है उसमें डॉक्टर सुभाष खन्ना का, जो हमारे चीफ गेस्ट भी रहेंगे और उनका एक ओरेशन भी है। सेकेंड है डॉक्टर सुभाष खन्ना हुए स्वागत हॉस्पिटल गुवाहाटी से, और नेक्स्ट मैन है गेस्ट ऑफ ऑनर मेरे दो हैं, डॉक्टर राजेश कुल्लर और डॉक्टर ज्योत्सना कुलकर्णी। डॉक्टर राजेश कुल्लर मैक्स साकेत में डायरेक्टर हैं मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के, और डॉक्टर ज्योत्सना कुलकर्णी पुणे से हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क TV। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो।
पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजीशन पाएं, फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894, 8210975763, 7542931524, 6200102297, बलुआ टोला, करेला, नाथनगर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में इलाज कराने पसराहा खगड़िया से आए 55 वर्षीय बिंदेश्वरी साह की मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि तबियत बिगड़ने पर उसको अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल परिसर में 1 घंटा इंतजार करने के बाद भी डॉक्टर ने इलाज शुरू नहीं किया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के साथ परिजनों की नोकझोंक भी हुई। डॉक्टर अंजू तुरियार ने कहा कि डॉक्टर द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई, बल्कि मरीज को हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हुआ था अभी 2 घंटा से हम भी बाहर के आदमी है, ठीक है, 2 घंटा से पेशेंट आया हुआ यहाँ से। यहाँ पे कोई डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस कोई सिर्फ ऑक्सीजन ला के रख दिया यहाँ पे, बस बोला गया बस लगाओ, ये भी नहीं बोला कि लगाओ कि नहीं लगाओ, बस चला गया। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए हैं बाहर से, हम भी लोकल। डॉक्टर और कंपाउंडर के लापरवाही के कारण बहुत समय कोई आया नहीं, यहाँ कोई सटा नहीं, कोई भी पेशेंट के पास नहीं आया, अपने से चिट्ठा कटाए लाइन में, उसके बाद फिर वहाँ से डॉक्टर साहब को अपने से बुलाने गए, तब तक आए, उसके बाद देखे डॉक्टर साहब, फिर जाके चैम्बर में बैठ गए, अपने में ही सब कंपाउंडर सब बातचीत करने लगे। डॉक्टर की कोई लापरवाही नहीं हुई, पेशेंट तो आया ही बहुत सीरियस कंडीशन में, वो जो पुर्जा प्राइवेट में दिखा करके उसमें हार्ट अटैक दिया हुआ है, लिखा हुआ है, और उसको मायागंज रेफर किया गया था, यहाँ नहीं रेफर किया गया। लेकिन पेशेंट यहाँ आ गया तो जो इमरजेंसी में चाहिए था उसको, पेशेंट सांस नहीं ले रहा था, गैस्प कर रहा था, गैस्पिंग कंडीशन में उसको ऑक्सीजन दिया गया, उसके बाद तुरंत उसका डेथ हो गया। बाल दिवस सह स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर कंपनी बाग स्थित जगलाल उच्च विद्यालय परिसर में बिहार बाल भवन किलकारी के बच्चों द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हस्तकला, चित्रकला एवं मंजूषा से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में किलकारी के बच्चों के द्वारा एकल एवं ग्रुप डांस की प्रस्तुति दी गई। वहीं मौजूद दर्शक भी काफी उत्साहित दिखे। महिला सशक्तिकरण को लेकर नाथनगर इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय में बुधवार को एनसीसी कैडेट एवं स्कूली छात्राओं के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय सेना की अधिकारी श्रद्धा बख्शी ने छात्राओं को खुद को कैसे सुरक्षित रखे, कैसे दूसरों की सहायता करें एवं समाज को कैसे सुरक्षित रखे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज के बदलते दौर में बच्चे सिर्फ किताब तक ही सीमित रहते हैं, उन्हें बाहर एवं समाज से जुड़ी जानकारी नहीं मिल पाती है। इस मौके पर प्राचार्य आभा कुमारी, त्रिपुरारी यादव, अमर कुमार, ओम प्रकाश यादव एवं छात्राएं मौजूद थी। छात्राओं को जागरूक करना, जिसमें हमारे शिक्षाविद हैं, कलाकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उन्हें कैसे महिलाओं का उत्थान हो सके, उस उत्थान के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हमारे जो आर्मी के ऑफिसर हैं और हमारे शिक्षक हैं, वो इसमें मिल करके इन बच्चियों का उत्थान करेंगे, ताकि समाज का उत्थान, उसके आज जो कुरीतियाँ आ रही हैं और बच्चे हमारे सेल्फ डिफेंस नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है। भागलपुर जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में मंगलवार को पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल की सचिव मीना तिवारी ने दीप जलाकर किया। इस दौरान बच्चों ने नृत्य एवं गीत की शानदार प्रस्तुति दी। स्कूल की निदेशक डॉक्टर निहारिका भारती ने मौजूद अभिभावकों से अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की बात कही। उन्होंने कहा कि बचपन में अच्छे संस्कार और अच्छी सीख पाकर ही बच्चे भविष्य में परिवार, स्कूल और देश का नाम रोशन करते हैं। इस दौरान प्रधानाचार्य ने अभिभावकों को अपने बच्चे में अच्छे संस्कार
डालने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक मौजूद थे। नौगछिया के इस्माइलपुर बिंदटोली में पिछले एक दशक में करोड़ों की लागत से 14 अस्परों का निर्माण कराया गया था, लेकिन अस्पर निर्माण में भारी अनियमितता के कारण अस्परों के ध्वस्त होने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक माह पूर्व अस्पर संख्या 6 गंगा नदी में समा गया था, जबकि मंगलवार की शाम अस्पर संख्या 5 ध्वस्त हो गया। अस्परों के ध्वस्त होते ही भीषण कटाव शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि तेजी से हो रहे कटाव की सूचना जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दी गई है। वहीं कटाव के कारण सैदपुर और आसपास के ग्रामीण काफी परेशान हैं। कटाव के कारण अब तक दर्जनों घर गंगा नदी में विलीन हो चुका है, जबकि कई घरों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। 2016 में रिवेटमेंट कराया गया था और रिवेटमेंट उसके बाद कट गया आज, और नदी जो है बिल्कुल इधर गांव की तरफ बंद एस्पर की तरफ शिफ्ट कर चुकी है। उधर से नदी काफी इधर शिफ्ट कर चुकी है और जहाज जो जाता है वो जहाज इसी होके ज्यादा डीप करके जाता है, जिसके कारण कटाव और तेज होता है। बांका के अमरपुर नगर पंचायत वार्ड संख्या 10 में दर्जनों लोग डेंगू से पीड़ित है। कुछ दिन पूर्व ही डेंगू की शिकार हुई 55 वर्षीय महिला की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी डेंगू की गिरफ्त में हैं, जिसका इलाज अस्पताल और घरों में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत पर वार्ड की साफ सफाई नहीं कराने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और नाला भी जाम है, जिसकी सफाई के लिए कई बार वार्ड पार्षद सुनील शाह को इसकी सूचना दी गई, लेकिन पार्षद ने साफ सफाई के लिए कोई पहल नहीं की, जिसके कारण स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। यहाँ कत्ता लोग को डेंगू है, यहाँ मेरा पोता भी कटा है, हमको भी कटा है, इसको भी कटा है, एक तो मरियो गया है, इस तो है। अमरपुर में एकदम बलुआ टिकर में बीमारी फैल गया है, डेंगू मच्छर काट लिया है, देखो सबको मलेरिया धर रहा है, यहाँ सब माल जाल कुत्ता बिल्ली यही प्लाट पर बिकता है। हो रहा है सबको, नाला तला जो बनाया है नगर पंचायत वो साफ सफाई नहीं करवाता है, और क्या बोलेंगे, साफ सफाई पे ध्यान दे नगर पंचायत। यहाँ दिक्कत है, सबसे पहले तो नाली साफ हुआ ही नहीं है। कब से नाली साफ नहीं है? ये नाली जब से बना है 3 महीना 4 महीना हो गया, साफ ही नहीं हुआ है। गंदगी इतना फैला हुआ है कि शाम में तो खड़ा रहना मुश्किल है, और ये पीछे का नगर पालिका का मतलब पहाड़ बना हुआ है कचड़े का, इस पहाड़ से इतना लोग परेशान, हर घर में मलेरिया डेंगू फैला हुआ है। सनहौला प्रखंड के सनोखर बाजार स्थित कार्तिक मेला के अवसर पर आयोजित श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ के चौथे दिन वृंदावन से आई कथावाचिका प्रियंका भारती ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनवास का प्रसंग सुनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री राम के चरित्र का हमें अनुसरण करना चाहिए। कथा के दौरान श्री राम विवाह का भी प्रसंग हुआ, जिसमें झांकी के माध्यम से प्रस्तुति दी गई। मेला समिति के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने कहा कि कथा का आयोजन 15 नवम्बर तक होगा। इस अवसर पर बबलू शाह, अरविंद सिंह, प्रमोद मंडल, सुशील महतो, शंभु सिंह सहित काफी संख्या में सदस्य मौजूद थे। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। मामूली विवाद को लेकर भागलपुर में लॉज मालिक ने छात्र पर चलाई गोली, बाल बाल बचे छात्र, आरोपी गिरफ्तार, राइफल जब्त। 50,000 का इनामी कुख्यात अकला मंडल चढ़ा एसटीएफ के हत्थे, हत्या डकैती सहित आधा दर्जन कांड का है आरोपी। बांका पुलिस ने अंतर्राज्यीय बैंक लुटेरे को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, एसपी अरविंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ महागठबंधन एवं वामदलों ने दिया राज्यव्यापी धरना, जमकर किया प्रदर्शन। और पंच प्यारे की अगुवाई में गुरुद्वारा से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, सतनाम वाहेगुरु से गूंजता रहा शहर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।